नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त किशन। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की नई फीचर अपडेट हो चुकी है, जिसमें रिचार्ज मेंबरशिप ज्वाइन होना और फर्स्ट रिचार्ज पर 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है, मतलब 20%। उसके बाद आपको 10% कैशबैक मिलेगा। ये ऑफर शायद मर्यादित है, मतलब हम इस ऑफर से मर्यादित टाइम में अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ऑफर में मेंशन किया है कि उसमें लिंक मिलेगी, यहाँ से आपको अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाना है। जब आपका दोस्त ज्वाइन होगा, वो 500 रुपीज़ का रिचार्ज करेगा, तो उसके बाद आपको 100 रुपीज़ मिल जाएगा और आपके दोस्तों दोस्त को भी 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चले जाते हैं। अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर रिचार्ज के बटन पर क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे तो तुरंत इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर प्रोमो कोड ऊपर और उसके बाद स्क्रॉल होगा रिचार्ज मेंबरशिप, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से रिचार्ज मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर गो टू रिचार्ज मेंबरशिप पर क्लिक करना है। तो जब आप गो टू रिचार्ज मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको यहाँ से रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। आप जब रिचार्ज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके आपको कैशबैक मिलता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के लिए हमें यहाँ पर रिचार्ज का बटन दिया है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए अपना नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कार्ड है उसे फिल करेगा और उसका ऑपरेटर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो अमाउंट डालने को बताएगा, तो मैं यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ 398। मुझे यहाँ पर इंटरनेट फ्री करना है, तो मैं 398 का रिचार्ज करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें वॉलेट का बैलेंस नहीं यूज़ करना है, तो मैं अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूस पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यूस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से डेबिट कार्ड फिल्डअप करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड फिल्डअप करूँगा। क्या दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये डिटेल हमें किसी को नहीं बतानी है, बैंक डिटेल है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर जो 16 डिजिट का कार्ड का नंबर होता है, जो आपको कार्ड के आगे का आगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे वैलिड डेट डालनी है और उसके बाद CVV डालना है। CVV डालोगे, उसके बाद पे रुपीज़ का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब पे पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक आपको मैसेज भेजेगा। तो फिलहाल मैंने UOB से डेबिट कार्ड लिया है, तो मुझे UOB से मैसेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मैसेज से OTP कॉपी करके फिर से वापस मैं बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक किया तो इस तरह से हमारा मोबाइल रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 398 रुपीज़ का डेटा रिचार्ज किया है। तो मुझे दूसरे मोबाइल में भी रिचार्ज करना है, तो मैं यहाँ पर
टोटल 520 का रिचार्ज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने पापा के मोबाइल में भी 198 का रिचार्ज कर लेता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पर नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर मैं अपने पापा का नंबर डाल देता हूँ 814300 3 814205 9982। उसके बाद हमें यहाँ पर रकम डालनी है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 198। उसके बाद हमें यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें बैंक डिटेल, मतलब यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर डाल देता हूँ। जो आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के आगे 16 डिजिट का नंबर मिलेगा। यहाँ पर वैलिड डेट डालनी है, उसके बाद CVV नंबर डालना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जब पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी बैंक से मैसेज मिलेगा। यहाँ पर मैसेज में OTP मिलेगा, तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों इस तरह से हमें रिचार्ज करना है। तो यहाँ पर मैंने जो रिचार्ज किया है वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर 100 रुपीज़ का कैशबैक मिला है या नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल 500 से ज़्यादा रिचार्ज किया है, तो मुझे 10 रुपीज़ और भी मिला है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि टोटल हमें कितना कैशबैक मिला है। यहाँ पर हमें मिल गया है मैसेज 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पर हमें चेक नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं चेक नाउ पर क्लिक करना हो कर रहा हूँ, उसके बाद गो ईट पर क्लिक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे 114 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कैशबैक पा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रिचार्ज मेंबरशिप में अपनी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 114 रुपीज़ का कैशबैक मिला है, तो हमें यहाँ पर 500 रुपीज़ का अलग से कैशबैक मिला है 100 रुपीज़, और उसके बाद हमें 10 रुपीज़ भी मिला है। तो ये 10 रुपीज़ हमें 10% कैशबैक मिलता है। हमें यहाँ पर मैक्सिमम 100 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ता है, तब हमें यहाँ पर 10 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों आप जब इस तरह से पहले से रिचार्ज करोगे तो 300 से मतलब 500 से कम, तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा।
जब तक आपका रिचार्ज 500 से ज़्यादा नहीं होता तब तक आपको 1% ही कैशबैक मिलेगा। जब आपका टोटल 500 रुपीज़ का रिचार्ज होगा उसके बाद ही आपको ये सारा मतलब 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। जब आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे आपकी लिंक तो आपको 100 रुपीज़ तब मिलेगा जब आपका दोस्त 500 रुपीज़ इस तरह से रिचार्ज करेगा, तो आपको भी 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा और आपके दोस्त को भी 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। या दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मतलब इस एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इस तरह से आप भी 100 रुपीज़ का कैशबैक पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन वीडियो के नीचे है, आप लाइक कर सकते हैं। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप इस तरह से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस को मतलब मेरे वीडियोस के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है। तो इस तरह से आपको